जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेल टेल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ये फुल नैनीताल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ नैनीताल 3 दिन की ट्रिप के लिए। और इस व्लॉग में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, किस किस चीज के क्या क्या प्राइजेस है, और होटल्स आपको बेस्ट रेंज में कहाँ पर मिल जाएंगे, और साथ ही मैं आपको कहाँ कहाँ बेस्ट कैफेज भी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये वाला व्लॉग। तो चलो यार शुरू करते हैं। फाइनली गाइज, अब हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं ट्रिप पे जाने के लिए। हमने अपना बोरिया बस्तर भी बांध लिया है, बड़ा सारा सामान है। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। फिलहाल तो हमें अक्षरधाम जाना है, क्योंकि वहां से हमारी बस है। उसके बाद का आपको दिखाते हैं। अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम। फिर हम सब लोग यार फटाफट से आ गए थे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि हमारी बस जो है थोड़ा सा लेट आने वाली थी। तो हम लोग अंदर की साइड ऐवे ही घूम रहे थे, और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ शेड्स वगैरह भी ले लिए थे। मतलब हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। ले लिए हमने ट्रिप के लिए, हमने फाइनली शेड्स ले लिए हैं, ज्योति ने लिए हैं, हमने यहाँ पर शॉप से लिए हैं। ठीक है। फिर बड़ी देर वेट करने के बाद यार फाइनली हमारी बस आ जाती है। और इन बस वाले भैया ने हमें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया था यार। इनका जो टाइमिंग था वो 10:30 का था, पर ये 11 बजे आए थे। आई डोंट नो व्हाई, ये बोल रहे थे ट्रैफिक वगैरह था। एनीवेज यार, अगर मैं बस की बात करूँ तो ये बस मैंने रेड बस से बुक करी थी, जिसका प्राइस था 650 रुपीज पर पर्सन। और ये अंदर से काफी अच्छी बस थी, काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। फिर बस थोड़ी देर बाद चलने लगती है, और बीच में यार ये एक जगह पे रुकती है जिसका नाम है शिवा ढाबा। आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप मेरठ या हापुड़ वगैरह की साइड जाते हो तो ये काफी फेमस ढाबा पड़ता है, इसका खाना वगैरह सब अच्छा होता है। तो हम लोग को थोड़ी बहुत ही भूख लग रही थी यार, ज्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी घर से रात में खा के आए थे। तो हमने कुछ सैंडविचेस वगैरह ले लिए थे, और ना कॉफी चाय वगैरह ही ले ली थी, मतलब एमए। और यहाँ पर जो है बस ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक रुकी थी। उसके बाद यार फाइनली हम बस में जाते हैं और हम सो जाते हैं। तब बस हमें यार सुबह उतारती है नैनीताल। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि बस ने हमें डायरेक्ट नैनीताल नहीं उतारा, बस ने हमें छोड़ा था हल्द्वानी पे। हाँ, हल्द्वानी स्टैंड पे, वहां से उसने हमें कैब कराई। फिर वो वाली जो कैब है उसने हमें फाइनली छोड़ा था नैनीताल बस स्टैंड पे, जिसे आप तालीताल बस स्टैंड भी बोलते हो। और मैं आप लोगों को यार ये बता दूं कि जब आप लोग पहुंचोगे यहाँ पर नैनीताल बस स्टैंड पे, काफी लोग आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे होटल्स ले लो, कैब्स ले लो, उन सबको प्लीज इग्नोर करना। और यार माल रोड पे तो बिल्कुल भी होटल लेना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होटल्स है, और उनकी वाइब और व्यू जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आप लोग ना थोड़ा ऊपर की साइड जब चल के जाओगे ना, थोड़ा सा आगे बाय वॉक करके थोड़ा अपर साइड, तो वहां पर आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हमने भी वहीं पर ही होटल लिया था, इसका प्राइस था 2000 रुपीज पर डे, और ऑब्वियसली यार हम 4 लोग थे तो मेरे को तो अच्छा लगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा फर्स्ट डे है नैनीताल में, तो लेट्स सी आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो यार मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर हमने होटल वगैरह लिया था ना, तो उन्हीं भैया ने हमें सजेस्ट किया था कि हम कैब वगैरह ले लें, तो आज भाई हमें सारी लोकेशंस कवर करवाएंगे। तो आओ यार साथ में चलते हैं, घूमते हैं नैनीताल, और आपको सारी चीजें मैं दिखाती हूँ। तो होटल वगैरह पहुंचने के बाद यार हम काफी ज्यादा थक गए थे, तो पहले हमने 1-2 घंटा रेस्ट वगैरह किया वहां पर। उसके बाद हम निकले रेडी वगैरह होके नैनीताल के सफर के लिए। तो हमने यार जहाँ से होटल लिया था ना, उन्हीं भैया ने हमें सजेस्ट किया कि हम उनकी कैब्स वगैरह ले ले, जिसका प्राइस था सिर्फ 2000 रुपीज पर डे, और जिसमें वो हमें 8 जगह कवर करवाने वाले थे यार। मतलब मेरे को तो ये ऑब्वियसली अच्छी डील लगी कि मतलब आप एक दिन में 8 जगह कवर कर सकते हो, वो भी हम 4 लोग थे, तो सब में वो पर पर्सन 500 डिवाइड हो जाता। फिर हम सबसे पहली लोकेशन पे आए थे स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ पर यार इतनी अच्छी क्लोथिंग वगैरह मिलती है ना। यहाँ पर ये वाली जगह है ना नीचे की साइड, अच्छे से पूरी मार्केट वगैरह, आप लोगों को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हो, मतलब अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी मम्मा वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी के कपड़े वगैरह थे ना वो काफी ज्यादा अच्छे थे। उसके बाद यार अगर आपको खाना वगैरह खाना हो तो वो भी आप खा सकते हो। मतलब ये वाली जो जगह थी ना स्नो व्यू पॉइंट, यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंसिव वगैरह नहीं है कि ओवर रेट प्राइस जैसे माल रोड वगैरह पे होते हैं। फिर हम मार्केट क्रॉस करके फाइनली ऊपर की साइड आते हैं यार, जो मेन जगह होती है स्नो व्यू पॉइंट की, जहाँ से आपको फुल हिमालयन रेंज दिखती है, जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। बायग्रेस मेरे फोन का कैमरा अच्छा है, तो मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देती हूँ कि आपको वो जो टेलीस्कोप है उससे मेन व्यू कैसा दिखता है। तो आपको अच्छे से पूरा ना हिमालय व्यू दिख जाता है, और अगर आपको टेलीस्कोप यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज था, मेरे को तो जगह काफी अच्छी लगी। फिर नीचे की साइड वहां पर कुछ गेम्स वगैरह भी थे, तो मैंने वो भी ट्राई कर लिया था, इसका प्राइस ज्यादा नहीं था। उसके बाद यार भाई, अगर आप उत्तराखंड में आए हो या हिमाचल में आए हो और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो क्या ट्राई किया। तो मतलब ना इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं जब नीचे की साइड आई ना, तो यहाँ पर ये दीदी वगैरह थी और 1-2 भैया थे, वो बोल रहे थे कि आप ये ड्रेस वगैरह ट्राई करो, आप पे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि मैम मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप ब्लैक वाली एक बार पहन के तो देखो, आप बहुत ज्यादा सुंदर लोगे। तो मेरे को लगा कि चलो भाई ठीक है यार, अब कोई पर्सन इतना ज्यादा बोल रहा है तो चलो ट्राई कर लिया जाए। और जेन्युइनली ये मेरी लाइफ का भाई
बेस्ट डिसीजन था, मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को काफी ज्यादा मजा आता। और भाई प्राइस के तो क्या ही कहने, अब गेस करो भाई, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए में क्या होता है यार, 100 रुपए में उन्होंने आपको इतनी प्यारी ड्रेस दी, खुद से पहनाई, और उन भैया ने मेरी काफी अच्छी अच्छी फोटोज भी खींची। ये पार्क करने के बाद हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं जो की है इको केव पार्क। मैंने इसके बारे में यार काफी जगह सुना था जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है पर पर्सन। पहले इसका प्राइस कम हुआ करता था बट अब बढ़ चुका है। तो हम 4 लोग थे तो हम लोगों ने 4 टिकट्स ली थी जिसका प्राइस ऑलरेडी हमें पड़ा 400 रुपए। इसकी जो वीडियोज है मैंने काफी ज्यादा ना देखी हुई थी अपने रील्स फीड पे और यूट्यूब फीड वगैरह पे भी देखी हुई थी कि इसके अंदर की जो केव्स है वो काफी ज्यादा मजेदार है। तो फाइनली हम जो अंदर की साइड जाते हैं ना यार, तो सबसे पहले तो हमें ना शोर आने लगता है, शोर मतलब कि टाइगर वगैरह की आवाज आ रही थी, पैंथर वगैरह की आवाज आ रही थी, तो मतलब ना बाहर फुल एकदम ही वाइब क्रिएट की हुई थी, मतलब केव्स वाले जैसा। और जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर एक नहीं कम से कम 5 से 6 केव है भाई, और वो भी ऐसी पतली पतली यार गुफाएं ना क्या बताऊं, एकदम आपका ना माइंड ही ब्लो हो जाएगा। अगर आप नैनीताल आ रहे हो ना ये जगह बिल्कुल मिस मत करना यार, ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस जगह है। मतलब जैसे आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको गुफा जो है एक दो थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल दिखेंगे कि उसकी स्पेस अच्छी खासी है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और मतलब और भी गुफाएं जो एक्सप्लोर करेंगे यार, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और बाहर की साइड ही अमेजिंग सा पेड़ भी था तो मेरे को तो काफी मजा आया। उसके बाद आप थर्ड लोकेशन पे पहुंच सकते हो, लवर्स पॉइंट। ओ माय गॉड, अगर आप लवर के साथ जा रहे हो तब तो वो बेस्ट चीज है यार, कि मतलब आपको इस लोकेशन पे जरूरी जाना चाहिए। और अगर लवर के साथ नहीं हो तब भी आप जा सकते हो क्योंकि वन साइडेड लवर कभी तो आप रहे ही होगे ना। एनीवेज यार, तो आप जैसे इसके मार्केट वगैरह में जाते हो, मार्केट क्या वहां पर छोटी सी शॉप्स वगैरह लगी होती है जहां पर काफी ज्यादा क्यूट क्यूट चीजें होती है, अगर आपको खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हो। और उसके बाद वो लवर्स पॉइंट की जो लोकेशन थी वो काफी अच्छी थी, आप वहां पर अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो मतलब ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, आप अपनी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, मतलब कि आपकी एक जरा सी लापरवाही आपको नीचे ही गिरा देगी, सही बता रहे हो। पर अच्छी लोकेशन थी। वो कवर करने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है खुरपा ताल। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना, वो ऊपर से एक व्यू दिखता है खुरपा ताल का, मतलब नीचे की साइड वो भी काफी अच्छी जगह थी, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। नीचे की साइड लेक वगैरह थी और छोटी मोटी जगह थी, मतलब बढ़िया थे। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब वहां के फूड की, यार फूड में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है नैनीताल में, वहां का फूड मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, एवरेज था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो था वुडलैंड वाटरफॉल, जो कि हमारी 5th लोकेशन थी। सोच रहे हो भाई, हमने एक दिन में 5 लोकेशन कवर कर ली। तो अगर मैं इस वाटरफॉल की बात करूं तो ये ज्यादा बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। मतलब पहले आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा बाय वॉक 5 मिनट का रास्ता है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं है। तो मतलब ठीक है, एवरेज सा वाटरफॉल है। वैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखे हुए हैं तो मेरे को तो ये कुछ ज्यादा खास लगा नहीं, बट ठीक है, अगर आप आए हो तो आप कवर भी कर सकते हो, कि बोलने के लिए तो हो गई कि हाँ हमने ये वाली जगह भी कवर की है। उसके बाद जब हम वापस रास्ते में जा रहे थे, हमने 6 जगह कवर की, मनसा देवी टेम्पल। हमने क्या कवर की यार, मतलब पहली बात तो ये कि जब हम पहुंचे तो ये बंद हो चुका था, तो अनफॉर्चुनेटली हम दर्शन तो नहीं कर पाए, तो अगर आप जाओ तो थोड़ा जल्दी जाना। उसके बाद 7th जगह हमने कवर की थी, वो थी गब्बर ब्रिज। मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है यार, गब्बर ब्रिज। तो उन्हीं कैब वाले भैया ने हमें बताया था कि काफी फेमस जगह है जिसकी लोकेशन काफी अच्छी थी, यहाँ से बड़ा ही प्यारा सनसेट वगैरह का व्यू आ रहा था यार। तो सोचो यार, अब तक फाइनली हमने 7 जगह कवर कर ली, अब लास्ट जगह जो है वो बची है माल रोड। तो 8वीं जगह में आप रात में माल रोड कवर कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी जगह है। मतलब राइट हैंड साइड में काफी सारी शॉप्स है और लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा ही प्यारा सा लेक व्यू है, यहाँ पर भी आप शॉपिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारी यूनिक चीजें मिल जाएंगी, पर थोड़ा सा हाई प्राइस में। तो फाइनली यार, ये वाला जो व्लॉग था इसमें मैंने आपको सारी 8 जगह फर्स्ट डे ऑफ नैनीताल में कवर करवा दी। अब कुछ लोग बोलोगे कि यार आपने नैनीताल लेक वगैरह तो कवर नहीं किया। तो मेरा जो नैनीताल का टूर था वो 2 या 3 दिन का रहने वाला था, तो ये नैनीताल लेक वगैरह ये मैं कवर करूंगी अपने 2nd डे में, जिसका व्लॉग जो है जल्दी से चैनल आ जाएगा 2 का, तो वो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।